फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू इसी एक्सरसाइज से 6.2 से, इन फिगर 6.29, यहाँ फिगर 6.29 दिया हुआ है। ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, दूसरा सी डी ई एफ पैरेलल है, सी डी ई एफ पैरेलल है, साथ में वाई और जेड के रेशियो जो हैं 3:7 है, आपको फाइंड करना है एक्स। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि वाई और जेड इनके जो हैं वैल्यू के टर्म में मान लेते हैं कि लेट वाई को ले लेते हैं 3K, जेड को 7K। चलिए, और अब देखिए कि एक्स और जेड जो है ना, एक्स और जेड ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हेयर ए बी पैरेलल ई एफ, क्यों? सिंस ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, दिस इम्प्लाइज जो है ए बी पैरेलल ई एफ लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने बताया कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, उसके अनुसार ये हो गया। अब ए बी ई एफ पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, इट इज इंटरसेक्टेड। मान लीजिए इसको P मान लीजिए, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P, देन क्या हो जाएगा? X और Z इक्वल होगा, देन Z इक्वल टू X, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए, जेड जो है 7K है, बट जेड का 7K वैल्यू हमने कंसीडर किया है, तो एक्स भी 7K हो जाएगा। अब देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल है, नाउ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट देम, ए ट्रांसवर्सल पी इंटर सेक्ट देम, इस आधार पर क्या हो जाएगा? एक्स और वाई का सम एक्स प्लस वाई 180 डिग्री, किस आधार पर? तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, नॉट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंटरी, ओके। अब देखिए, एक्स और वाई का सम, तो एक्स हुआ 7K और वाई का 3K, 180 डिग्री, 10K आ गया 180 डिग्री, तो K आ गया 180 डिग्री बाय 10, यानी 18 डिग्री। वैल्यू किसका पूछा जा रहा है? X का। X कितना आया? 7K। तो नाउ X जो है वह 7K हुआ। अब देखिए, यहाँ K का 18 है, तो 7 × K का 18 डिग्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, 126 डिग्री। हेंस हमारा जो आंसर आया एक्स का 126 डिग्री, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीटेड हियर। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, इन फिगर 6.30, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ए बी और सी डी पैरेलल है, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी पैरेलल हो गया, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, देखिए 90 डिग्री का साइन दिया है, अच्छा, एंगल जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी, ये देखिए ये पूरा 126 डिग्री, आपको ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई क्या होगा? जी ई एफ, जी ई एफ क्या होगा?
एफ जी ई क्या होगा? चलिए, तो क्या होगा इसके लिए हम लोग अब प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कुछ तरीका लगा करके ज्योमेट्री का जो भी थ्योरम सीखा गया है, एक्सियम सीखा गया है, उनके यूज से हम इसको करेंगे अभी। ज़रा देखिए कि ए बी और सी डी तो पैरेलल है और जी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से ए जी ई और जी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हर एक पेयर जो हैं पैरेलल होने पर ए बी पैरेलल सी डी होंगे तो आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको ए जी ई मिला जी ई डी के इक्वल, ए जी ई मिला जी ई डी के इक्वल। तो अब लिखिए कि सिंस यहाँ ए बी पैरेलल है सी डी और जी ई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, ए ट्रांसवर्सल जी ई इंटरसेक्ट देम, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? एंगल ए जी ई का मान एंगल जी ई डी के मान के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जबकि क्या दिया हुआ है, बट जी ई डी का वैल्यू एंगल जी ई डी 126 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए जी ई भी 126 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ये ए जी ई का, ये आ गया आपका जी ई एफ। देखिए जी ई एफ आते हैं और देखते हैं कि जी एफ के लिए क्या है। और आप देखिए कि जब ए जी ई ये 126 डिग्री है, उसमें ये 90 डिग्री है। नाउ देखिए ई एफ परपेंडिकुलर है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा, डी ई एफ 90 डिग्री होगा, जबकि डी ई जी या जी ई डी, जी ई डी यहाँ दिया हुआ है 126। नाउ एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, ये तो गिवन है। जी ई डी एक कंबाइंड एंगल है जिसमें जी ई एफ और डी ई एफ शामिल है, तो एंगल जिसका वैल्यू निकालना है जी ई एफ, तो एक जी ई एफ आएगा इसमें कंबाइंड में, और जी ई डी में दूसरा आएगा डी ई एफ 90 डिग्री, डी ई एफ 90 डिग्री। अब यहाँ पर डी ई एफ का वैल्यू जो है डाल देंगे, जी ई एफ प्लस 90 डिग्री 126 डिग्री एंगल जी ई एफ 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो एक वैल्यू हमारा ये आ गया। और तीसरा बचा एफ जी ई, एफ जी ई, तो आते हैं हम लोग अगेन देखिए ए बी पैरेलल है क्या सी डी, और जी ई ट्रांसवर्सल है, एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, एफ जी ई, देखिए एफ जी ई, एफ जी ई एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी 180 डिग्री, इसको आप कहिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अब यहाँ पर से देखिए एफ जी ई और जी ई डी, एफ जी ई, एफ जी ई इसका तो वैल्यू ही निकालना है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं लाना है, तो एंगल एफ जी ई ज्यों का त्यों रहेगा एज इट इज, बट जो है देखिए
ये जीईडी का वैल्यू देखिए 126 डिग्री दिया है, 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से निकलेगा एफ जी ई 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये माइनस करके आएगा 10 में 6 गया 4, 7 में 2 गया 5, हमारे पास अब ये थर्ड एंगल का मेजरमेंट भी आ गया, आप यहाँ लिख दो हैंस, क्या क्या आया, ए जी ई आया, एंगल ए जी ई वैल्यू में 126 डिग्री, फिर दूसरा आया जी ई एफ 36 डिग्री, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्री, एंड थर्ड आया एंगल एफ जी ई, ये आया 54 डिग्री, कितना आया 54 डिग्री, और इस तरह से हमारा जो है तीनों एंगल का मेज़रमेंट जो है वो हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू और एस टी ये आपस में पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर 110 है, एंगल पी क्यू आर 110 है, आर एस टी एंगल आर एस टी 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस का वैल्यू फाइंड करना है। हमें कंस्ट्रक्शन नीड है कि यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका मान लीजिए एक्स है, ड्रॉ आर एक्स पैरेलल टू एस टी, ये कंस्ट्रक्शन लिया कि ड्रॉ आर एक्स पैरेलल एस टी, और गिवन है एस टी पैरेलल पी क्यू, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा पी क्यू पैरेलल आर एक्स, पी क्यू पैरेलल आर एक्स, पी क्यू पैरेलल आर एक्स। अब देखिए हमारे पास में सबसे पहले तो एस टी और आर एक्स पैरेलल और ट्रांसवर्सल आर एस इसको इंटरसेक्ट करता है, तो नाउ एस टी पैरेलल आर एक्स एंड एस आर इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफोर क्या हो जाएगा एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिखिए आपको इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, आर एस टी देखिए आर एस टी का वैल्यू 130 डिग्री है प्लस एस आर एक्स, एंगल एस आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एस आर एक्स इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री आ गया। अब देखिए पी क्यू पैरेलल आर एक्स है, पी क्यू पैरेलल आर एक्स, नाउ पी क्यू पैरेलल आर एक्स और क्यू आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम एंड ट्रांसवर्सल क्यू आर इंटरसेक्ट देम देयरफोर क्या हो जाएगा कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब देखिए पी क्यू आर 110 डिग्री इक्वल टू क्यू आर एक्स को आप लिख सकते हो क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एक्स, एंगल एस आर एक्स यहाँ से 110 डिग्री और क्यू आर एस, क्यू आर एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर पी क्यू आर और क्यू आर एस है और जहाँ पर कि हमारा एस आर एक्स, एस आर एक्स, एस आर एक्स का वैल्यू देखिए आर एस टी 130 और ये 50 डिग्री, एस आर एक्स कितना है, एस आर एक्स, एस आर एक्स ये कितना आ गया है आपके पास, एस आर एक्स 50 डिग्री है,
तो आप यहाँ 50 डिग्री का यूज करो और QRS फाइंड करना है तो QRX रहने दो और इस तरह से एंगल QRX जो है QRS 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो एंगल QRS का वैल्यू आ गया 60 डिग्री एंड नाउ द आंसर दैट मींस द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड इन फिगर 6.32 आप एक फिगर देख रहे हो ये ए बी और सी डी को पैरेलल बताया गया है और एंगल ए पी क्यू का वैल्यू 50 डिग्री है पी आर डी का वैल्यू 127 है यहाँ एक्स और वाई दो अननोन जो है वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल है पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो ए पी क्यू पी क्यू आर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा तो ये 50 तो एक्स भी 50। ओके सो हेयर ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल देयरफोर क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल ए पी क्यू है जो है 50 डिग्री और पी क्यू आर को एक्स दिया हुआ है और ए पी क्यू 50 डिग्री यहाँ लिख दीजिए आप कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री सो एक्स का वैल्यू 50 डिग्री आ गया। अब देखिए ए बी पैरेलल सी डी नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल पी आर डी एंगल पी आर डी एंगल ए पी आर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल ए पी आर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट देखिए पी आर डी का वैल्यू है 127 डिग्री और ए पी आर में है ये दो पार्ट 50 और वाई तो 50 डिग्री प्लस वाई तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री 7 एंड 12 में 5 गैस 12 में 5 तो 7 77 डिग्री। अब एक्स वाई का वैल्यू आ गया हेंस आप यहाँ लिख दो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 77 डिग्री। ओके सो स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम फिगर 6.33 पर देखते हैं पी क्यू और आर एस आर टू मिरर्स है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल है इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू एट बी। ओके रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। ओके पाथ बी सी ए बी रिफ्लेक्ट होकर के बी सी डायरेक्शन में जाता है स्ट्राइक करता है मिरर आर एस को स्ट्राइक करता है मिरर आर एस को एट सी और फिर अगेन रिफ्लेक्ट करता है ये बैक तो इनका डायरेक्शन होता है सी डी आपको दिखाना है ए बी और सी डी को पैरेलल। अब आप क्या करो कि यहाँ से नॉर्मल ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में ये हमने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया तो इसका हमने नाम रख दिया बी एम और ये सी एन मतलब बी से जो परपेंडिकुलर बी एम है वह आर एस को तो एम पर इंटरसेक्ट कर दिया सी से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया वह जो है वह पी क्यू मिरर को एन पर जो है इंटरसेक्ट कर दिया तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिया कि ड्रॉ
क्या हो गया? बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एट बी एंड सी एन परपेंडिकुलर एट आर एस. ओके, परपेंडिकुलर आर एस एट सी. आर एस मिरर को जो है, अब देखिए कि बी एम जो है वह आर एस को इंटरसेक्ट करता है, सच दैट लिख दीजिए, सच दैट बी एम, ओके, इंटरसेक्ट्स बी एम एंड सी एन इंटरसेक्ट्स बी एम. देखिए इंटरसेक्ट कर रहे आर एस को, इंटरसेक्ट्स आर एस एट एम एंड पी क्यू. देखिए ये जो बी एम है, बी एम वह आर एस को इंटरसेक्ट किया और सी एन जो है वह आर एस पी क्यू को इंटरसेक्ट किया, पी क्यू एट एन रेस्पेक्टिवली. वंस अगेन हम आपको बता रहे हैं कि बी एम एंड सी एन, बी एम एंड सी एन, ओके, तो बी एन एंड सी एन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है आर एस को, बी एम आर एस को इंटरसेक्ट कर रहा है एम पर. ओके, बी एम इंटरसेक्ट आर एस एट एम एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एन, पी क्यू इंटरसेक्ट एट एन, ओके, रेस्पेक्टिवली. नाउ वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल आर एस, ए बी पैरेलल आर एस. हेयर वी सी पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल. प्रूफ, पी क्यू पैरेलल आर एस, इट इज गिवन. एंड ऑल्सो पी एम बी एम, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस. सो इफ टू परपेंडिकुलर्स आर ऑन द सेम पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड पी क्यू पैरेलल आर एस, यू सी पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल. सो हेयर बी एम पैरेलल सी एन, बी एम पैरेलल सी एन. नाउ जस्ट वी नेमिंग द एंगल्स 1, 2, 3, 4 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एज वी नो by laws of reflection in physics, by laws of reflection I equal to R, angle of incidence equal to angle of reflection, that's why 1 equal to 2, angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4, angle 3 equal to angle 4. So for angle ABC, angle ABC is equal to angle 1 plus angle 2, but 1 equal to 2, so we can write 1 के बदले में हम लिख सकते हैं 2, 2 के बदले 1, but we need angle 2 for angle 1, तो हम लिखेंगे angle 2 plus angle 2 is equal to 2 of angle 2. Similarly आप देखिए BCQ को ए बी सी के बाद बी सी क्यू, बी सी क्यू यहाँ लिखेंगे आप बी सी क्यू इक्वल टू एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, बट हेयर यू सी 3 और 4 तो इक्वल है. हम क्या करेंगे कि चेंज करेंगे, 4 को चेंज करके 3 में कन्वर्ट कर देंगे, एंगल 3 को एज इट इज रहने देंगे और एंगल 3 लिखेंगे यहाँ, तो 2 ऑफ एंगल 3 हो जाएगा. आप देखिए क्या है कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल क्यों होगा. देखिए यहाँ मैंने बताया कि इफ बी एम परपेंडिकुलर है, देखिए बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू, सी एन परपेंडिकुलर है आर एस, और पी क्यू और आर एस पैरेलल है, दैट मीन्स कि बी एम जो परपेंडिकुलर है और सी एन जो परपेंडिकुलर है, दीज आर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज बिटवीन ए बी एंड सी डी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर इक्वल. ये क्यों हो जाएगा, तो आप इसके लिए रीजन आप दे सकते हैं कि सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज बिटवीन पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, सॉरी पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, पैरेलल भी होता है, पैरेलल पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है. अब देखिए यहाँ से हमको मिला ये पैरेलल, पैरेलल मिला, तो अब देखिए
कि बी एम और सी एन पैरेलल है. नाउ बी एम पैरेलल सी एन, बी एम पैरेलल सी एन, बी सी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम. बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री. सो टू ऑफ एंगल टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, टू ऑफ एंगल टू इक्वल टू टू ऑफ एंगल थ्री. यूक्लिड ने बताया कि अगर दो इक्वल थिंग्स है तो उसका डबल भी इक्वल होता है. डबल्स ऑफ थिंग्स आर इक्वल, डबल्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल, थिंग्स आर इक्वल. अब यहां से टू एंगल टू को क्या लिख सकते हो, ए बी सी, और टू एंगल थ्री को बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू नहीं बी सी डी, सॉरी यहां बी सी डी नॉट क्यू, बी सी क्यू, सॉरी बी सी डी, एंगल बी सी डी नॉट बी सी क्यू, बी सी डी. अब देखिए कि जब ए बी सी इक्वल है बी सी डी तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, हेंस ए बी पैरेलल सी डी. ओके, सो यहां हमने ए बी सी डी को प्रूव्ड कर दिया. ओके, सो यू हैव टू नीड कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट यू हैव टू नीड कंस्ट्रक्शन दैट योर डिमांड्स. ओके, टू प्रूव इट. सो देखिए, सबसे पहले ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर, बी एम परपेंडिकुलर. ओके, बी एम किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर एट बी, एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस एट सी सच दैट बी एम एंड सी एन, बी एम एंड सी एन इंटरसेक्ट आर एस. बी एम किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बी एम आर एस को एम पर कर रहा है, और सी एन जो है वह पी क्यू को एट एन कर रहा है रेस्पेक्टिवली. तो ये नीड है, ये हमारा सबसे मेन वर्क होगा इसमें. देन यू कैन इजिली प्रूव द गिवन स्टेटमेंट. ओके, सो नाइस, हैव अ नाइस डे. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.